आशा जी को पहला नेशनल अवार्ड प्राप्त हुआ था 1981 की फिल्म उमराव जान के लिए, दूसरा नेशनल अवार्ड 1987 की फिल्म इजाजत के लिए। 60 साल से ज़्यादा के प्रोफेशनल करियर में, फिल्म करियर में अब तक 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड्स, 2 बार नेशनल अवार्ड्स, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ साथ 2000 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और सैकड़ों नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया। मैंने 93 की एक फिल्म जिसमें मैंने छोटा सा रोल किया है, श्रीमान आशिक उस फिल्म का नाम है जी, तो दीपक आनंद ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया था और उसका म्यूजिक था नदीम श्रवण का। तो एक दिन दीपक आनंद के साथ साथ मेरे छोटा भाई मित्र रूमी जाफरी का फ़ोन आया कि अनु भाई एक गाना गवाना है, आप आ जाइए। तो मैं सनी सुपर साउंड पहुंच गया, वहां पर नदीम और श्रवण थे, उन्होंने कहा अनु भाई ये ट्यून है, और मैंने कहा ठीक है। अब मसला ये उठा कि फीमेल सिंगर, ये गाना पिक्चर आप देखेंगे तो मेरी आवाज़ पिक्चराइज है अनुपम खेर के ऊपर और जो फीमेल सिंगर है वो बिंदु जी के ऊपर है। मसला ये उठा कि फीमेल सिंगर कौन गाई जाए, तो नदीम श्रवण ने 2-3 सिंगर्स को बुला के ट्राई भी किया लेकिन बात जमी नहीं। और फाइनली ये उन्होंने, प्रोडक्शन ने या दीपक आनंद ने डिसाइड किया, म्यूजिक डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने, कि आशा ताई को ही गवाना चाहिए। 2-3 दिन बाद फ़ोन आया कि आ जाओ भाई, आशा भोसले जी आ गए। उन्होंने कहा कि ये मेरा जो गाना क्यू के लिए रिकॉर्ड किया था, कौन है वो सिंगर, किसने ये गाना गाया है। मैं वहाँ पहुँच गया, मैं मिला उनको, अच्छा गाना लगा, मैंने आदर के साथ नमन किया उन्हें और आशा जी ने वो डुएट गाया। मैंने अभी तक सिर्फ एक ही प्रोफेशनल डुएट गाया लेकिन वो मेरा सौभाग्य है कि मुझे वो लेजेंडरी आशा भोसले के साथ गाना गाने का मौका मिला मुझे। उसके 1-2 या 3 महीने के बाद गौतम राजाध्यक्ष जी का फ़ोन आया। गौतम राजाध्यक्ष जो है हमारे देश के बहुत बड़े कमाल के फोटोग्राफर थे, शोभा डे जी, शोभा दीदी के भाई, शोभा दीदी। तो गौतम भाई का फ़ोन आया कि ताई मिलना चाहती हैं आपसे। तो मैं आशा जी से मिलने गया, आशा जी ने कहा बड़ी तारीफ सुनी है और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे ओरिजिनल फोक म्यूज़िक गवाओ, मुझसे हम एल्बम निकालेंगे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि आशा जी को रिहर्सल करवाने जाना था और आशा जी फ्लोर पे बैठती थी, तो मैं कहता दीदी आप यहाँ बेड पे बैठिए ना, तो कहले नहीं मैं बेड पे नहीं बैठूंगी, तुम वहाँ बैठो। मैंने कहा ये ऐसे क्यों बोल रही हैं आप, कहले नहीं तुम सिखा रहे हो ना। क्या बात, मेरी दोस्त ने आशा जी को रिहर्सल करवाना शुरू किया। 15-20 मिनट के बाद दीदी बाहर आई, वो एक पैसेज था और दीदी ने मुझसे मराठी में कहा कि जैसा तुम रिहर्सल करवाते हो मैं वैसे करूँगी, ये बाई जैसे करवा रही वैसे नहीं करूँगी। वो कंपोजिशन अभी भी मुझे याद है, आशा जी का जब मैं रिहर्सल करवाता था तो वो रिकॉर्ड कर लेते थे, वो कैसेट आज भी मेरे लॉकर में पड़ा हुआ है, वो मेरे धरोहर है मेरे लिए। तो आप शतायु हों, जीवेत शरदा शतम जैसे कहते हैं, और स्वस्थ रहें आप, आपने जिंदगी के इतने उतार चढ़ाव देखे हैं, जब तक संगीत रहेगा तब तक आशा रहेगी। एक दिन बैठा समंदर तीर पर सुन रहा था बुलबुले की मैं कथा, एक कागज की दिखी कश्ती तभी थी छुपी जिसमें पहाड़ों सी व्यथा, देख इतना भार ये अचरज हुआ चल रही है किस तरह ये धार में, देख इतना भार ये अचरज हुआ चल रही है किस तरह ये धार में, वो हंसी बोली चलाती चाह है आदमी चलता नहीं संसार में। ये चाह है, ये जीवन का थ्रस्ट है, ये जीवन की ड्राइव है, और आशा जैसी लोगों से, आशा भोसले जैसी हस्तियों से हमें प्रेरणा लेनी है। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।